हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ मेकअप का वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जैसे कि हम लोग में बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर्दियों में जब हम मेकअप करते हैं तो हमारा फाउंडेशन केकी हो जाता है और जब फट जाता है जगह जगह से और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस ट्रिक से फाउंडेशन लगाएं कि आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई हो और ब्यूटीफुल रहे और बिल्कुल भी वो केकी ना हो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको उसे यूज कर कैसे करना है। देखिए, मैं आपको एक हैक्स बताऊँगी या आप उसे एक ट्रिक बोल लीजिए। मैं आपको एक ट्रिक दूँगी कि आप उस तरह से अगर आप यूज करेंगे अपने फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल ग्लोई रहेगा। और मैंने जो अभी मेकअप किया है, मैंने हाइलाइटर बिल्कुल भी नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ एक बेस मेकअप किया है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी कि मैं कैसे ये मेकअप मैंने किया है। तो चलिए, इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं मेकअप वीडियो DIY और ब्यूटी टिप्स का वीडियो इसी तरह का मैं शेयर करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे ज़रूर कर दें ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी तरह का जो हमारी स्किन होती है, ऑयली ड्राई, मतलब अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब तो हमारी सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन भी है तो फिर भी आपको सर्दियों में वो ड्राई हो जाती है। तो वही मैं आज आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँगी कि आप उसे किससे कैसे फाउंडेशन को यूज करेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सर्दी हो या गर्मी, हमें अपने स्किन पे टोनर ज़रूर लगाना चाहिए। अभी तो सर्दियों का मौसम है लेकिन फिर भी मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छे, मतलब आपका वो आपका चॉइस है, लेकिन मैं ना रोज़ वाटर टोनर के लिए रोज़ वाटर यूज करती हूँ। इस तरह का मैं पंप बोतल में रखती हूँ और ये बस देखिए, सर्दी गर्मी कब कोई भी मौसम में हमारी स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तभी वो ग्लो करेगी, उसके लिए उसे हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने फेस पे रोज वाटर ज़रूर अप्लाई करें इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसे कॉटन का बॉल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब इसे अच्छी तरह से सुखा लें। जब ये सूख जाए तो उसके बाद आप प्राइमर यूज करें, आपका चॉइस है। आप प्राइमर के लिए कुछ भी, अगर आप किसी ब्रांड का प्राइमर यूज करना चाहते हैं तो आप प्राइमर यूज करें। मैं इस प्राइमर के लिए, मुझे सबसे अच्छा एलोवेरा जेल लगता है, मैं यही यूज करती हूँ। देखिए, बस ये थोड़ा सा आपको लेना है, बस थोड़ा सा लेके ये प्राइमर क्या करता है कि एक बेस तैयार करता है आपके फेस के नीचे कि आप जब कोई भी फाउंडेशन लगाएंगे या जो भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो आपके पोल्स के अंदर नहीं जाएगा, जिससे आपका चेहरा ख़राब नहीं होगा। इसीलिए हमें प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप प्राइमर लगा लें, ऐसे पूरे फेस पे लगा लें। उसके बाद तीसरा स्टेप, अब देखिए, आपको सर्दी हो या गर्मी हो अपने स्किन को मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए, मॉइस्चर रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर चाहें तो इसे फाउंडेशन के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं और ये अगर आप चाहें तो अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब ज़्यादातर सर्दियों में पहले थोड़ा सा फाउंडेशन लगाती हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा ये मॉइस्चराइजर पहले लगा लेती हूँ पूरे फेस पे, प्राइमर के बाद मॉइस्चराइजर। ये गर्मियों में मैं नहीं करती हूँ लेकिन सर्दियों में मैं ज़रूर करती हूँ। इसको आप पूरे फेस पे लगा लें। आप चाहें तो इसे फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए लगाने के बाद अब बारी आती है हमारे फाउंडेशन लगाने की। तो देखिए, फाउंडेशन के लिए मैंने ये लैक्मे का चुना है क्योंकि ये फाउंडेशन लगभग हर कोई यूज करता है। वैसे तो आपकी चॉइस है, आप जिस भी बड़े ब्रांड का, जिस तरह का ब्रांड का आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हैं। मैं इसी को यूज करके आज आपको बताऊँगी क्योंकि ये फाउंडेशन हर कोई यूज करता है। देखिए,
फाउंडेशन मैंने ले लिया, अब इसको डायरेक्ट आपको अपने फेस पे नहीं लगाना है। देखिए यही एक ट्रिक है कि जो आपके फाउंडेशन को सर्दियों में या कभी भी केकी नहीं होने देगा, और ये आप ज़रूर करके देखें और देखिएगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें क्या करना है, इसमें मिलाना है बादाम का तेल। मैं बादाम का तेल मिला रही हूँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है तो आप वो भी मिला सकते हैं, कोई फेशियल ऑयल भी मिला सकते हैं, आपको जो मिलाना हो आप इसमें ज़्यादा नहीं। देखिए 1-2 बूंद मैंने इसमें रोगन बादाम ऑयल मिक्स किया है, उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है आपको। उसके बाद इसको आपको अप्लाई करना है, आप फिंगर से पहले अप्लाई कर लें। देखिए मैंने इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, अब आप इसे चाहें तो किसी ब्यूटी ब्लेंडर से या आप चाहें तो अपने फिंगर से। देखिए मैं आपको फिंगर से भी करके दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए फाउंडेशन को रगड़ के कभी भी नहीं करें, नहीं तो वो आपका काला हो जाएगा। आप इस तरह से करेंगे तो आपका कभी भी मेकअप काला नहीं होगा। देखिए आप ना इसको, और एक चीज़ का आप और ख्याल रखें, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं तो इसको पानी में इसको भिंगो के तुरंत यूज करते हैं, ऐसे नहीं करिए, तो क्या होगा कि आपका सारा मेकअप इस ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा और वो आपके फेस पे रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप इसे थोड़ी देर पहले भिंगा के रख लें, उसके बाद आप इसे यूज करें, तब देखेंगे कि आपका मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इस तरह से पूरे मेकअप को आप सेट कर लें, देखिए हमारा मेकअप अच्छी तरह से बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से फाउंडेशन हमारा ब्लेंड हो सकता है, आप देख सकते हैं कहीं से भी केकी नहीं हुआ है, बिल्कुल फेस मतलब ग्लोइंग लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इधर से मतलब बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। और आप ऐसे मेकअप के साथ 3 से 4 घंटे के आप पूरे दिन आराम से रह सकते हैं या नाइट में जा सकते हैं, और आप चाहे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप भी कर सकते हैं। अब आपको जैसे कंसीलर लगाना हो तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं, मतलब तरह तरह मतलब हर तरह से आप काजल पेंसिल लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर आपको मैंने आपको सिर्फ एक बेस दिखाया कि आप किस तरह से अपना बेस को तैयार करें, ये एक तरह का बेस तैयार हुआ है मेरा, आप इसके ऊपर आप कंटूर करें, आपका जो आपकी चॉइस है, आप जितना तरह का इसके ऊपर मेकअप कर सकते हैं आप करें, और आप का मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं होगा, बिल्कुल भी केकी नहीं होगा, और ये आप बिल्कुल भी आपका ये फाउंडेशन जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत अच्छा मेकअप आपका तैयार होगा। आप ऐसा आप अपने बेस को बिल्कुल ऐसे ही तैयार करें। देखिए मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं आपको लिपस्टिक के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सर्दियों में ना हमें लिक्विड लिपस्टिक जो होती है ड्राई लिपस्टिक, उसे मतलब लगाने से बचना चाहिए। उससे क्या होती है कि सर्दियों में हमारी लिप ड्राई होती है, और जब आप ड्राई लिपस्टिक लगाएंगे तो आपके होंठ फट जाएंगे और जगह जगह से वो फटी फटी दिखने लगेगी। इसीलिए सर्दियों में हमें हमेशा इस टाइप का लिपस्टिक यूज करना चाहिए। आज मैं भी यही लिपस्टिक यूज करूँगी। सर्दियों में हमेशा ब्लेट लिपस्टिक ही यूज करें आप, ड्राई लिक्विड लिपस्टिक से लगाने से बचें। इससे क्या होगा कि आपकी लिप्स मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी लिप्स फटेंगे भी नहीं। और आप अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।